नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की क्यूएस यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज, इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी आधुनिक भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं, उनके साथ साथ और तथ्यों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन, वो टॉपिक, वो तथ्य हमारे लिए तैयार हो जाए और भविष्य में अगर किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें हम अपियर हो रहे हैं, अगर आधुनिक भारतीय इतिहास से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसको कर लें। उसी सीरीज में ये 16वां लेक्चर है और इसमें हम जो कंपनी शासन था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेनर था 1757 से जो कि 1857 के मध्य माना जाता है, उसमें जो भी कार्य हुए हैं, जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन या सामाजिक सुधार से जुड़े कोई मुद्दे हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और उस मुद्दे से जुड़े लोगों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और बेसिकली सामाजिक सुधार आंदोलन पर केंद्रित है। और इसी क्रम में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और उसके तहत जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी न्यू इनिशिएटिव लिए गए थे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि नॉलेज स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी में जुड़ा हुआ है, क्योंकि आधुनिक भारतीय इतिहास का वो पोर्शन है जिससे सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 70-80% का वेटेज होता है। और उसी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, उनसे तो क्वेश्चन एक और दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। कन्या शिशु हत्या यानी जन्म के तुरंत बाद कन्या शिशुओं की हत्या की प्रथा जो थी उस पर ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बंगाल रेगुलेशन 1795, बी बंगाल रेगुलेशन 1804, सी ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कन्या शिशु हत्या यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड था उसको प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान एक अधिनियम यहाँ था, बेसिकली दो अधिनियम आए थे, एक बंगाल रेगुलेशन 1795 था और उसी के बाद ही बंगाल रेगुलेशन 1804 आया। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों है। तो करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाले सबसे प्रमुख प्रचारक कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर और ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो जैसा हम जानते हैं कि राजा राममोहन राय ने भी विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी, अपनी संस्था जो उन्होंने स्थापित की थी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की, ब्रह्म सभा की, तो उसके तहत उन्होंने भी वकालत की थी विधवा पुनर्विवाह की। लेकिन जो प्रमुख प्रचारक थे इस फील्ड में, जो जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में जिनका विशेष योगदान रहा था, वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर जो कि प्रिंसिपल थे का संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि उसके समर्थक के बारे में कि उन्होंने किसने समर्थन किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसके जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था या सामाजिक सुधार आंदोलन जो भी हो रहे थे उसका विरोध भी किया था। नाम जान लेते हैं। ए राधाकांत देव, बी डी के कारवे, सी करसोनदास मूल जी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राधाकांत देव थे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ही नहीं बल्कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे थे उनका भी विरोध किया था और उनके लिए एक संस्था भी बनाई थी इन चीजों का विरोध करने के लिए, और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर सही होता है ऑप्शन ए राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा संगठन 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने बनाया था? ये वही है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी जो कि 1829 में आई थी और ये जस्ट एक साल बाद यानी 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसके एक साल बाद ही उसका विरोध करने के लिए, सामाजिक सुधार आंदोलन का विरोध करने के लिए उन्होंने बनाई थी। उस संस्था का नाम जान लेते हैं। ए धर्म सभा, बी जाति सभा, सी न्याय सभा या उपरोक्त में से डी कोई नहीं। तो उन्होंने जो संस्था बनाई थी उसका नाम था धर्म सभा ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धर्म सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं। राधाकांत देव द्वारा 1829 में कलकत्ता में स्थापित धर्म सभा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देख लेते हैं। एक राजा राममोहन राय और हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन को बेसिकली उसका मुकाबला करने के लिए बनाया गया था, उनको अपोज करने के लिए। और दूसरा हिंदू विवाह
पुनर्विवाह अधिनियम के पक्ष में प्रचार करना। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि उनका उद्देश्य हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम उनको विरोध करना और बल्कि सामाजिक सुधार आंदोलन जो भी हो रहे थे उसका विरोध करना था। राधा कांत देव ने जो संस्था बनाई थी धर्मसभा 1829 में कलकत्ता में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन केवल वन ही सही है, यानी जो सामाजिक सुधार आंदोलन में इन्वॉल्व थे राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डेरिजियो, उनका अपोज करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के तहत हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को अधिनियमित किया था? मतलब जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था उसके बारे में क्वेश्चन है, कब आया था? ऑप्शन ए 1829 में, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1856 और ऑप्शन डी 1880। जैसा कि हमने थंबनेल में भी देखा होगा कि विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 1856। यहाँ जो ऑप्शन है 1829, इस समय रेगुलेशन ऑफ 1829 आया था जिसने सती को खत्म करने के लिए प्रयास किया था, यानी एबोल्यूशन ऑफ सती के लिए जो रेगुलेशन आया था वो 1829 था, रेगुलेशन 1829। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जान लेते हैं? ऑप्शन ए है अधिनियम 14th यानी 14वां 1856, अधिनियम 15वां 1856, एक्ट 16वां 1856 या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है उसको अधिनियम 15 1856 के नाम से भी जानता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो अधिनियम 15 1856 या हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 दोनों एक ही हैं, तो इसको अधिनियम 15 1856 के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह अधिनियम 1856 या अधिनियम 15 1856 के बारे में कौन सा बयान सच है? देख लेते हैं बयान। इसका मसौदा 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और ये 1857 में भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कनिंग द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है या अप्रोक्सिमेट से कोई नहीं। तो जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 या अधिनियम 15 1856, उसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने ही तैयार कर लिया था, लेकिन बाद में उसको जो पास किया था उसको लॉर्ड कैनिंग ने, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे पहले ही पास किया था। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पहली विधवा पुनर्विवाह संघ वर्ष 1850 के दशक में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब वो कौन पर्सन था जिन्होंने सबसे पहले यानी फर्स्ट विडो रीमैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन देख लेते हैं, महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर और ऑप्शन डी जगन्नाथ शंकर सेठ। तो जो विष्णु शास्त्री पंडित थे उन्होंने ही सबसे पहली विडो रीमैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी 1850 के दशक में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विष्णु शास्त्री पंडित। एक और दूसरी जो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई थी वो 1861 में हुई थी और वो की थी महादेव गोविंद रानाडे ने, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहली 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने इसको स्थापित किया था और जो दूसरी थी वो महादेव गोविंद रानाडे ने 1861 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश पत्रिका की शुरुआत की, किसके लिए? विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए उस व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है महादेव इंद्रानादे, ऑप्शन ए विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर और ऑप्शन डी करसोनदास मूल जी। यहाँ पर जो सत्य प्रकाश पत्रिका स्टार्ट की थी 1852 में जो कि गुजराती भाषा में थी और बेसिकली उसका पर्पज था विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने का, वो करसोनदास मूलजी जी ने की थी और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी करसोनदास मूलजी।
तो करसोन दास मूल जी हैं जिन्होंने सत्य प्रकाश पत्रिका की शुरुआत की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ और तीनों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि अभी डिस्कस किया, ईश्वरचंद विद्यासागर जो विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विष्णु शास्त्री पंडित जिन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना पहली की थी वो 1850 के दशक में की, और माधवेंद्र आनंद ने द्वितीय विडो रीमैरिज एसोसिएशन विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की दूसरी, और वो 1861 में की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत में विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, मतलब कौन वो ऐसा पर्सन था जिसने वेस्टर्न इंडिया में जो है ना उसको विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और उसका प्रचार प्रसार किया। ऑप्शन ए प्रोफेसर डी के कार्वे, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी वीरस लिंगम पंतुलू, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी टाइप का एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण में जो है ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो है ना जो लीडर थे उन्होंने लीड किया था, साल सत्याग्रह जो है ना स्टार्ट किया था दक्षिण में, वो कौन थे, वो श्री राजगोपालाचारी थे। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत में विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोफेसर डी के कार्वे। डी के कार्वे प्रोफेसर ने जो है पश्चिमी भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए जोर तोड़ से वकालत की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर डी के कार्वे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो सीरीज 16 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोफेसर डी के कर्वे, राजा राम मोहन राय, वीरस लिंगम पंतुलू, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने पढ़ा कि पश्चिमी भारत में वेस्टर्न इंडिया में जो वकालत की थी वो की थी प्रोफेसर डी के कर्वे ने, और यहाँ पर जो दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं तो वो वकालत की थी वीरस लिंगम पंतुलू ने, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वीरस लिंगम पंतुलू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से दोस्तों आज हमने जो इस सीरीज का यानी सामाजिक सुधार आंदोलन और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हुए उसमें सीरीज 16 था ये हमारा, और इसमें हमने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसको अधिनियम 15-1856 भी बोलते हैं, इसके तहत हम जो भी व्यक्ति इन आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उनके जो कार्य हैं प्रमुख रूप से उन सबको डिस्कस किया है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नॉलेज इस टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।